मध्य प्रदेश में खुलने वाले देश के पहले बैंड बाजा स्कूल पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। जहां कांग्रेस कार्यकर्ता इसे अच्छी शुरुआत बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने सरकार के इस फैसले को आड़े हाथों लिया है, जमकर निशाना भी साधा है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैंड बाजा पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने केवल शिगुफा छोड़ने का काम किया है, रोजगार के नाम पर कांग्रेस की सरकार युवाओं के साथ मजाक कर रही है। तो वहीं पूर्व सीएम शिवराज ने ओबीसी के आरक्षण का समर्थन किया, लेकिन कहा कि मुख्यमंत्री और सरकार ने केवल चुनावी फायदे के लिए आरक्षण का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यावहारिक तौर पर यह आरक्षण लागू होने में कई अड़चने हैं और ये कांग्रेस खुद भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। 4000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी या रोजगार देने की बात कही थी? अब रोजगार के नाम पर कम से कम मजाक ना हो, ये चिंता इस सरकार को करनी चाहिए। सरकार समय काटू अभियान चला रही है कि कैसे भी लोकसभा के चुनाव निकल जाए, इसलिए कभी ढोर हाँकने वाली बात करती है, पशु चराने वाली बात करती है, कभी बैंड बजाने की बात करती है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ऐसे सिगूफे उन्होंने नहीं छोड़े तो नौजवान ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करेगा, बैंड बजा देगा। चुनाव तक कैसे भी मामला चल जाए, बिना आरक्षण की सीमा बढ़ाए, सब जानते हैं, वो भी जानते हैं जिनने ये बात कही है कि आरक्षण लागू यथार्थ में नहीं हो सकता, होना चाहिए, ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए पूरी संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए। जो सरकार पैसा दे रही, कितना बड़ा मजाक है, किसानों के खाते में 6000 रुपए डलवाए, उसके लिए सरकार सूची नहीं दे रही, ये सरकार केवल